नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। देश में लगातार हो रहे रेल हादसों के कारण रेल मंत्री सुरेश प्रभु के खिलाफ लगातार लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फिलहाल इंतजार करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के खतौली में शनिवार को और औरैया में बुधवार को हुए हादसों के बाद से ही मामला तुल पकड़ रहा है। प्रभु ने कई ट्वीट करके इस्तीफे के इरादे जताए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण हादसों में बहुमूल्य जाने और यात्रियों के घायल होने से वे बहुत दुखी हैं। इस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और हादसों की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ने की पेशकश की। इन दुर्घटनाओं से भारतीय रेलवे का नाम पूरे विश्व में खराब हो रहा है। इस पर पीएम ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। इससे पहले के ट्वीट में उन्होंने लिखा कि रेल मंत्री के रूप में 3 साल से भी कम समय में रेलवे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया। दशकों से चल रही उपेक्षा के असर को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई कदम उठाए गए। सभी क्षेत्रों में प्रणालीगत सुधार करने से सिर्फ निवेश में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई बल्कि दूसरी कई उपलब्धियां भी शामिल हुई। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। दोस्तों, देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए एफएम न्यूज को सब्सक्राइब करें।